वुमेन रैली थी ये दिखाने के लिए लोगों को कि वी शुड रिस्पेक्ट अ वुमेन ड्राइवर. इफ वुमेन इज अ बैड ड्राइवर व्हाट मेक्स मैन अ गुड ड्राइवर, ये प्रूव करने के लिए कि वुमेन कैन बी अ बेटर ड्राइवर देन अ मैन. इसी टाइप को हटाने के लिए तो ये किया है ना, इट्स अ मिथ बस्टर. 1947 से देखे या जब हमारे मुल्क में आज़ादी भी नहीं थी, औरतों पे काफ़ी जुल्म था. आप देख सकते हैं बहुत बदलाव आया है. ये जो एक वीकर सेक्स माना जाता है औरत को, हर लिहाज से कुछ तबका ऐसा भी है जो आज भी दबा हुआ है. बहुत सारे देश के कोनों में बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं. हमारे स्टेट में देखिए, हमारे देश के किसी भी कोने में देखिए या बाहर देखिए, ये चलता आ रहा है. सो काफ़ी कुछ बदलाव लाया जा रहा है. हम एक केस की वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है. आपके ही जम्मू कश्मीर में एक चीफ मिनिस्टर थी जो महिला थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर औरत थी. सो एक बदलाव है. मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने, मैं महिला हूँ, ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो एक लड़की है, और ये सारा जो मुआशरा है जिस तरीके से दुनिया जा रही है उसमें एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कि जो औरत आपका घर बनाती है एज अ बेटी, एज अ बीवी, एज अ माँ, वो आपका सोसाइटी बनाती है, आपका नेशन बनाती है. सो उसको इज्जत की बहुत ज़रूरत है. इस्लाम में भी औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो औरत की इज्जत करें. औरतें आजकल स्कूटी चला रही हैं, गाड़ियाँ ड्राइव कर रही हैं, तो एक मैसेज है कि जो भी वुमेन ड्राइवर्स हैं उनकी इज्जत करें. इन अ सिंपल वे एक वुमेन एम्पावरमेंट है. औरत की हर जगह पे इज्जत होनी चाहिए. वुमेन ड्राइवर्स को टीजिंग की जाती है, आप उसको कैसे बोलते हैं? देखिए बहुत ही कमज़ोर सोच है उन लोगों की जो वुमेन को टीज करते हैं या ड्राइव जो ड्राइव करती हैं. वही एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि औरतें हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो इज्जत की बहुत ज़रूरत है. आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं, बाहर पूरे देश में लड़कियाँ जहाज़ तक चलाती हैं, हमारी कुछ कश्मीरी लड़कियाँ हैं जो पायलट्स हैं, तो इज्जत करें. काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं. जो रोकथाम थी पिछले सरकारों की वजह से कोशिश नहीं की गई, तो हमारी ये कोशिश की जाएगी कि औरतों को एम्पावर किया जाए. लगता है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. उस तरह के इवेंट्स जो हैं आगे भी होने चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस एंड इट आल्सो गिव्स एन एनकरेजमेंट टू द फीमेल ड्राइवर्स एज वेल. जो ये मिथ है, जो ये एक टैबू है एक फीमेल ड्राइवर को लेके है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, टोटली नॉट एक्सेप्टेबल. मुझे लगता है ड्राइविंग जो इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट विच एनीबडी कैन मास्टर विद प्रैक्टिस एंड देयर शुड बी नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. सो इस तरह की जो इवेंट्स हैं ये आगे भी होने चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल. Wow.